शार्क टैंक पे आपने देखा होगा ना, फाउंडर्स कितनी मेहनत करते हैं फंडिंग लेने के लिए। बॉस ये सब दोगलापन है। आज मैं आप सभी को एक ऐसे फाउंडर की कहानी बताने वाला हूँ जिसने बिना किसी फंड रेस किए 12,000 करोड़ की कंपनी बना दी, और तो और आज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। आप इनके बिजनेस को जरूर जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्षित सेठिया, आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी, और आज हम कैंपस शूज की पूरी केस स्टडी कवर करेंगे, डीप में उनकी स्ट्रेटेजी समझेंगे, जानेंगे कि उनकी पूरी बिजनेस की जर्नी किस तरीके से हुई थी, और ये समझेंगे कि कैसे एक छोटे से बिजनेस से 12,000 करोड़ की कंपनी बन गई। इस केस स्टडी से सीख के आप भी अपने बिजनेस में ये स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कर सकते हो और बिना किसी फंड रेस किए अपने बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रो कर सकते हो। बात है 1983 की, जब इंडिया में क्वालिटी स्पोर्ट्स का मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा था। नाइकी एडिडास जैसी कंपनियां इंडियन मार्केट में आना शुरू हो गई थी, और तो और ये कंपनियां अपने स्पोर्ट्स शूज को बहुत महंगे रेट में इंडियन मार्केट में सेल कर रही थी। अब आप सभी को पता है इंडियंस की एक आदत होती है, जो चीज वेस्ट में होती है इंडियंस उस चीज को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, और जब एडिडास नाइकी यहाँ पे महंगे रेट में शूज बेच रहे थे तो बहुत सारे लोग महंगे रेट में शूज को बाय करना शुरू कर दिए। अब इससे ना एक अच्छी चीज हुई, इंडियन मार्केट में ना जो क्वालिटी के शूज है उनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती गई। जैसे कैंपस शूज के फाउंडर मिस्टर हरिकिशन अग्रवाल बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। उस समय वो एक्शन फुटवेयर कंपनी रन कर रहे थे जिसको आपने अपने स्कूल के दिनों में जरूर पहना ही होगा। 2005-06 तक हरिकिशन जी ने फिगर आउट कर लिया था कि इंडिया में अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि इनके दाम बहुत ज्यादा थे। हाई क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज उस समय करीब 2500 रुपए के मिलते थे, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा महंगे थे। मिस्टर अग्रवाल ने अपना दिमाग लगाया, अपनी स्ट्रेटेजी लगाई, और उसी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज को सिर्फ 700 रुपए में मार्केट में लेके आ गए। आज 17 साल के अंदर ये कंपनी 12,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो आज कैंपस शूज पूमा नाइकी एडिडास जैसी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ चुका है और पूरे इंडियन मार्केट का 85% मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं। अब सवाल तो यही आता है कि एक छोटे से फुटवेयर बिजनेस से कैसे ये इतनी बड़ी ब्रांड बन गई, इतनी बड़ी कंपनी बन गई। आखिर क्या था, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज थी, क्या चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया, क्या उनकी प्लानिंग थी, किस तरीके की उनकी मार्केटिंग थी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डीप में एनालाइज करेंगे ताकि आप जान सको कि कैसे बिना फंडिंग रेस किए भी करोड़ों रुपए का बिजनेस बनाया जा सकता है। आज कैंपस शूज के पास इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और इसीलिए इनकी जो 60% सेल्स है वो ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन से आती है। इंडिया में इनके पास 400 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 19,200 से ज़्यादा रिटेल काउंटर्स हैं जो इनके प्रोडक्ट्स को रखते हैं। ये जो नेटवर्क है ये इन्होंने 35 सालों में बनाया है, लेकिन एक बात जान के आप चौंक जाओगे, इनकी टोटल सेल्स की 35% सेल्स आज की डेट में ऑनलाइन आती है, जो पिछले कुछ 4-5 साल के ही अंदर बनी हुई है। कैंपस शूज आज ई कॉमर्स मार्केट में तेजी से ग्रो कर रहा है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आप किसी भी मार्केट प्लेस पे देख लो, वहां पे आपको इनकी लिस्टिंग मिल जाएगी। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू ये कंपनी 400 करोड़ का बिजनेस कर रही है। एक तरफ ये मॉडर्न तरीकों में भी उतना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ही ग्रो कर रहे हैं जितना ये ट्रेडिशनल तरीकों में फोकस कर रहे हैं। तो अब दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब मैं आप सभी को वो सारी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जो कैंपस ने यूज किया, और जिसको अगर आप जान गए, आपने भी अपने बिजनेस में यूज किया, तो आप भी कैंपस के जैसे अपने बिजनेस को करोड़पति बना सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है अर्ली मूवर एडवांटेज लेना। अर्ली मूवर एडवांटेज का मतलब जो भी चीज हो रही है मार्केट में, जो भी नया ट्रेंड आ रहा है, सबसे पहले उसके ऊपर रिएक्ट करना। हरिकिशन जी ने देखा कि नाइकी एडिडास ये सारी कंपनियां इंडिया में आ रही है, उन्होंने देखते ही साथ एनालाइज करा कि क्या उनका प्राइस रेंज है, उनको किस तरीके से कॉम्पीट किया जा सकता है, और मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट उतारा जो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग था। अब नो डाउट उस समय भी बहुत सारे लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूट किया। अब जैसे ही इंडिया में उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया अपना प्रोडक्ट, तो उनको अर्ली मूवर एडवांटेज मिल गया और इंडियन कॉम्पिटिटर्स उनसे बहुत पीछे रह गए। दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन और नेटवर्क को यूज किया। अगर आप अपने आसपास देखें ना, तो बहुत सारे हमारे पास भी ऐसे नेटवर्क है जिसको हम यूज कर सकते हैं। कैंपस फुटवेयर को लॉन्च करने के पहले मिस्टर अग्रवाल 22 साल से फुटवेयर इंडस्ट्री में थे। अब जब उनका नेटवर्क स्ट्रांग था तो उनको पता था कि सबसे लो क्वालिटी पे रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाने हैं, कहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करना है, किस तरीके का डिजाइन लॉन्च करना है इंडिया में, क्या उनको प्राइस रेंज रखनी है, किस तरीके से सप्लाई चेन अपना बनाना है, ये सारी चीजें उनके सामने पहले से क्लियर थी क्योंकि उन्होंने उस इंडस्ट्री में पहले भी काम किया था। तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी जो आज इंडिया में चलती है और जिसके कारण कैंपस आज इतना बड़ा ब्रांड बन पाया है, और वो है जीनियस मार्केटिंग।
इंडिया में ना इमोशनल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चलती है। इंडिया में ना आप अगर एड्स में अगर आप इमोशंस दिखाते हैं, फीलिंग्स दिखाते हैं, कुछ ऐसा सेंटिमेंट्स दिखाते हैं जो लोगों के साथ कनेक्ट कर सके, तो वो बहुत चलता है। और आज नहीं लेकिन आज से अगर आप पहले की एड्स देखेंगे तो ज़्यादातर एड्स में आपको इमोशंस दिखेंगे। अगर आप कैंपस शूज़ की कोई भी पुरानी एड उठा के देख लीजिए, हर एक एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, उनमें बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, उनमें बहुत ज़्यादा रिश्तों की बात की हुई है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो उस समय के इंडियन ऑडियंस को काफ़ी पसंद आती थी, लोग ब्रांड के साथ कनेक्ट करते थे और उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और इसी के कारण कैंपस उस समय में आप कह सकते हैं कि वायरल हो गया था। कैंपस की चौथी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, इन्होंने एक ही इंडस्ट्री पे फोकस किया, वो थी फुटवेयर इंडस्ट्री। और इसी इंडस्ट्री में उन्होंने नई डिज़ाइंस लाए, नया इनोवेशन किया और एक इंडस्ट्री में इतने सालों तक राज किया। अक्सर क्या होता है, जब बड़ी कंपनियां तेज़ी से ग्रो होती है तो वो बहुत अलग अलग इंडस्ट्री में जाना शुरू कर देती है, जिसके कारण किसी एक इंडस्ट्री में उनका कोर फोकस नहीं रहता है। लेकिन कैंपस शूज ने उसका जस्ट अपोजिट किया, उन्होंने सिर्फ एक इंडस्ट्री पे फोकस किया और हर साल नए नए इनोवेशन लेके आते हैं। इसके बाद पांचवी सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्री एक ही रखा अपनी लेकिन प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई करते गए। आज कैंपस बच्चों का भी शूज बनाता है, लेडीज फुटवेयर भी बनाता है, मेंस फुटवेयर भी बनाता है, चप्पलें भी बनाता है, स्पोर्ट्स शूज भी बनाता है। अब फुटवेयर के अंदर जितनी कैटेगरी का प्रोडक्ट सोच सकते हो वो सारी चीजें मैन्युफैक्चर करता है। तो उसने प्रोडक्ट कैटेगरी में हर जगह डाइवर्सिफाई किया है लेकिन अपनी इंडस्ट्री एक ही रखी है। इसके बाद सिक्स्थ ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके कारण कंपनी हाल फिलहाल में बहुत तेजी से ग्रो हुई और ये स्ट्रेटेजी है ओमनी चैनल सेल्स अप्रोच। ओमनी चैनल का मतलब ये है कि आप ऑफलाइन भी बेचते हो, ट्रेडिशनल तरीके से भी बेच रहे हो और ऑनलाइन भी बेच रहे हो, यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या खुद की वेबसाइट से भी बेच रहे हो। जैसे कि मैंने बताया, अभी अगर आप सेल्स देखेंगे तो 65% सेल्स जो है ऑफलाइन मीडियम के थ्रू जाती है और आज कैंपस की 35% सेल्स है ये ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जाती है। तो ये ऑफलाइन भी वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन भी वर्क कर रहे हैं। इसके बाद सातवीं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आप सभी को बताना चाहूँगा, जिसको आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, चाहे अंबानी है, चाहे अडानी है, चाहे बिरला है, हर कोई इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रहा है। और ये स्ट्रेटेजी है स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग इन बिजनेस। फैमिलीज की जो वैल्यू होती है ना, ये इंडिया से ज़्यादा शायद ही किसी देश में देखने को मिलेगी। उनके बीच का जो प्यार होता है, ट्रस्ट होता है, वो सिर्फ उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं करता, अगर ये चीज़ बिजनेस में आती है तो ये बिजनेस को भी आगे लेके जाता है। अगर आप देखें तो कैंपस शूज का भी कंपनी स्ट्रक्चर है, उसमें आपको सारे फैमिली मेंबर्स दिख जाएंगे। हरि किशन अग्रवाल जी आज भी चेयरमैन है कंपनी के, उनके बेटे CEO है कंपनी के, उनकी बहू चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है कंपनी की। तो इतना बड़ा जो एम्पायर है ये एक परिवार मिलके साथ में संभाल रहा है और साथ में ग्रो कर रहा है। ये जो सात स्ट्रेटेजीज है, ये कोई भी पर्सन अगर अपने बिजनेस में अप्लाई करेगा तो मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ कि आपका बिजनेस भी कैंपस फुटवेयर के जैसे तेजी से ग्रो होते जाएगा। ये तो हो गई दोस्तों केस स्टडी। अब बात करते हैं कि अगर आपको आज की डेट में कैंपस के जैसी ब्रांड बनाना है तो आपको क्या चीज करना चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हरि किशन जी ने उस समय किया, वो था ट्रेंड को पकड़ना, क्या चीज़ के पीछे लोग अभी जा रहे हैं, ताकि आपको अर्ली मूवर एडवांटेज मिल पाए, आप उस पर एक्शन ले पाए। एक्शन लेने के पहले या अर्ली मूवर एडवांटेज लेने के पहले आपको ये चीज़ देखना है कि क्या चीज़ एक्चुअल में ट्रेंड हो रही है, लोगों की डिमांड कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके पीछे लोग भागे जा रहे हैं। अगर वो चीज़ पकड़ में आ गई तो फिर एग्जीक्यूशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि आज के डेट में कौन से प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट हो रहे हैं आपके आसपास में, और इंडिया में उसकी पोटेंशियल है, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं या फिर और सस्ते रेट में इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये आप फिगर आउट कर लिए तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड के गैप को आप फिल आउट कर सकते हैं। एक बार अगर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिल गया तो आगे आपको सिर्फ एक सप्लाई चेन ढूंढना है कि कहां से इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स के पास सप्लाई किया जा सके। अब आजकल ऑनलाइन सप्लाई चेन भी आ गई है, यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे मार्केट प्लेसेस भी आ गए हैं जहाँ पे कस्टमर की रीच है, और ऑफलाइन भी बहुत सारे आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सप्लायर्स है, जिनके नेटवर्क्स के थ्रू आप इजीली मार्केट तक के पेनिट्रेट कर जाओगे। अगर मैं आपको आज की डेट की बात बताऊं तो आज ऑनलाइन मार्केटिंग करना, ऑनलाइन सेलिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। पहले होता था कि पहले लोग ट्रेडिशनल बिजनेस बनाते थे और फिर ऑनलाइन बिजनेस लेके आते थे, जैसे हरि कृष्ण अग्रवाल जी ने किया। देखिए आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो पहले ऑनलाइन कंपनी बनाते हैं और फिर ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो नायका है, जीवा है, बोट है, लेंसकार्ट है, ऐसी बहुत सारी इंडिया में कंपनियां हैं जिन्होंने पहले ऑनलाइन अपना बड़ा बिजनेस बनाया और उसके बाद वो ऑफलाइन अपनी खुद की दुकानें खोल रहे हैं, अपने खुद की फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं, इस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं। आई होप आप सभी को इस छोटी सी कैंपस शूज की केस स्टडी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत मोटिवेशन मिला होगा कि किस तरीके से एक छोटे से बिजनेस ने इतना बड़ा बिजनेस बनाया कि आज वो इंडिया के लार्जेस्ट
फुटवेयर मैन्युफैक्चरर में से एक है, 12,000 करोड़ की उनकी कंपनी है। अगर आपको भी अपने बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कभी भी हमें इस ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हैं या हमारी कंपनी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर करें और आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में आपकी मदद कर पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरीके की केस स्टडी वाली वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।